नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एंटरटेनमेंट टेक में। तो आज के समय में अधिकांश लेन देन डिजिटल रूप से ऑनलाइन किए जाते हैं। बड़ी खरीदारी या बड़े भुगतान भी ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल ऐप जैसे भीम ऐप, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आदि वॉलेट के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हम पैसा किसी खाते में ट्रांसफ़र कराते हैं और गलती से पैसा किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि गलत व्यक्ति के पास गया पैसा उसी समय वापस किया जा सकता है। बस सामने वाला व्यक्ति आपके पैसे वापस करने के लिए तैयार हो, अन्यथा आपको कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। यदि बैंक लेन देन के दौरान खाता संख्या, IFSC कोड या दोनों में टाइपिंग करते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो ये अधिकांश तकनीकी त्रुटि के कारण हो सकता है। यदि पैसा गैर मौजूद खाते में चला जाता है तो पैसा अपने आप वापस आ जाता है, लेकिन अगर पैसा किसी व्यक्ति के खाते में चला जाता है तो आप बैंक की मदद से नियमानुसार पैसा वापस पा सकते हैं। अगर इस मामले में बैंक की ओर से कोई लापरवाही होती है तो आप बैंक लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बैंक को गलत लेन देन के बारे में जल्द से जल्द सूचित करना होता है। इस बारे में जानकारी देते समय आपको कहना होगा कि पैसा गलत खाते में चला गया है। आपको बैंक को यह भी बताना होगा कि पैसा किसको भेजा जाना था और किसके खाते में चला गया है। ऐसे में बैंक को पूरे मामले की रिपोर्ट मेल से करनी होगी और पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा। बैंक इस मामले में एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा। बैंक उस खाते की शाखा, नाम, संपर्क नंबर आदि विवरण पता कर सकता है जिसमें आपका पैसा गलती से चला गया है। जिस खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है वह भी आपके बैंक का ग्राहक है, तो बैंक आपके माध्यम से लाभार्थी से संपर्क करेगा और पैसा वापस भेजने का अनुरोध करेगा। एक बार जब लाभार्थी सहमत हो जाता है तो पैसा आपके खाते में 7 कार्य दिवस के भीतर जमा कर दिया जाएगा। अगर गलती से पैसा पाने वाला व्यक्ति आपके बैंक का ग्राहक नहीं है, लाभार्थी किसी दूसरे बैंक का है, तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको खुद उस बैंक में जाना होगा और रास्ता निकालने के लिए बैंक मैनेजर से बात करनी होगी। आमतौर पर यदि पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है तो व्यक्ति पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन कभी कभी पैसा वापस देने से मना कर दिया जाता है तो इससे प्रक्रिया कुछ कठिन हो जाती है। दूसरे बैंक के मैनेजर को आपको अपनी बैंक की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे ID प्रूफ, पता, बैंक से रिलेटिव मांगी गई अन्य जानकारी देनी होगी। अगर सामने वाला व्यक्ति हर कोशिश करने के बाद भी आपको अंत तक पैसे वापस करने से मना करता रहता है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पर ऐसा बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है क्योंकि बैंक के द्वारा काम आसान हो जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर। तो भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।